फौज की बर्बरियत का पोल खुद इसराइली अखबार ने ही खोल दिया। इसराइली अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि गजा में इसराइली फौज जानबूझकर आम चेहरियों को निशाना बनाकर हमले कर रही है ताकि वो हमास के खिलाफ बगावत कर दें। अखबार में ये भी कहना है कि गजा में इसराइली ऑपरेशन ने इसराइली रियासत की बुनियादें कमजोर की हैं। जख्मी, लाचार और गमजदा फलस्तीनी मुस्तकबिल में इसराइल के खिलाफ उठ खड़े होंगे। आम शहरियों की अमवात की असल हकीकत अमरीकी इंतजामिया को भी बेचैन कर देगी। अखबार की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि गजा में इसराइली हमलों में आम फलस्तीनियों की अमवात बहुत ज्यादा है। इसराइल का गजा पर बमबारी करना मामूल की बात है। फलस्तीन में 64 रोज में फलस्तीनी शहदा की तादाद 18,000 के करीब पहुँच गयी है। 48,000 से जायद जख्मी हो गए हैं। जबालिया पनाह गुजीन कैंप में बाजारों और सड़कों पर इज्तमाई कब्रें भी बना दी गई हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।